नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। आज 26/11 के आतंकी हमले की 15वीं बरसी है। 15 साल बीत गए, लेकिन अभी तक 26/11 का मेन मास्टरमाइंड हाफिज सईद जिंदा है, पाकिस्तान में बड़ी मौत से रह रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से हाफिज सईद के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो हर रोज सुबह इसी डर से उठता है कि न जाने कौन सा दिन आखिरी हो जाए। हाफिज सईद इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसके बाकी साथी आतंकी एक एक करके मारे जा रहे हैं। कोई गनमैन बाइक से आता है अननोन और पाकिस्तान के आतंकियों को मारकर चला जाता है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट से लेकर पीओके तक यही हो रहा है और इसकी वजह से पाकिस्तान के आतंकी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यह भी खबरें हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इन आतंकियों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। जानकार बताते हैं कि जब तक 26/11 का बदला पूरा नहीं हो जाता, तब तक यही सब होता रहेगा। भारत के सीने पर लगा वो जख्म जिसे शायद ही कोई भी भारतीय कभी भुला पाए। वो दिन जब मुंबई का सीना पाकिस्तान के आतंकियों ने छलनी कर दिया था, लेकिन 15 सालों के बाद भी मुंबई का इंसाफ अधूरा है। 15 सालों के बाद भी अभी तक मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद जिंदा है। 15 सालों के बाद भी मुंबई हमलों के साजिशकर्ता जकीर रहमान लखवी और अब्दुल रहमान मक्की जिंदा हैं। मुंबई हमलों का बदला उसी दिन पूरा होगा जब ये तीनों आतंकी मारे जाएंगे। और सुन, तुम मुंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। इतना गुरूर, इतना घमंड, इतनी बेशर्मी। लेकिन यह बात भी पुरानी है। यह साल 2015 है। मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए सिर्फ 1.5 साल हुए थे। हाफिज सईद शायद इसी गफलत में था कि भारत में सिर्फ सरकार ही तो बदली है, क्योंकि मुंबई अटैक के बाद लगातार हाफिज सईद बड़ी मौज मस्ती से पाकिस्तान में घूमता रहा। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन पिछले 8 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। पिछले 8 साल में अब मोदी के नाम से ही हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को डर लगने लगा है। देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, चुन चुन करके सफाया हो रहा है। 26/11 के हमले की बरसी पर नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कही। मोदी को पता है कि कहां, कब, कौन सा क्लियर कट मैसेज देना है, और मोदी साफ साफ बता रहे हैं कि भारत चुन चुन कर अपने दुश्मन आतंकवादियों का सफाया कर रहा है। पिछले 8 साल में यह सब बदला है, इसीलिए तो इस बदले हुए भारत पर पाकिस्तान में भी हलचल मची हुई है। हिंदुस्तान बहुत सालों से चुप था, अब हिंदुस्तान बोल पड़ा है और ऐसी दस्तावेजात, ऐसी एविडेंस अब आने लग गई है कि हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हो गई है। पिछले 2 साल में भारत के सीने पर जख्म देने वाले कई आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए हैं। इसी के बाद पाकिस्तान के आतंकियों में डर बैठा हुआ है। मार्च 2022 में कराची में आतंकी जहूर मिस्त्री मारा गया, जो इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर था। 8 सितंबर 2023 को पीओके में लश्कर के कमांडर अबू कासिम कश्मीरी को मारा गया, जिसने कश्मीर में कई आतंकी हमले करवाए। फिर इसी साल 30 सितंबर को कराची में आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया, जिसने 26/11 के मुंबई हमलावरों को कराची में शरण दी थी। 11 अक्टूबर को पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ सियालकोट में मारा गया। 5 नवंबर को एक और आतंकी ख्वाजा शाहिद का अपहरण करने के बाद पीओके में उसकी सिरकटी लाश बरामद हुई। वो 2018 के जम्मू कश्मीर के सुंजवान हमले का मास्टरमाइंड था। इसीलिए तो मोदी भी कह रहे हैं कि भारत के दुश्मन आतंकियों का
चुन चुन कर सफाया हो रहा है। आज 26/11 को देश बहुत बड़ा आतंकी हमले का शिकार हुआ था। इस हमले में हमने अनेकों निर्दोष देशवासियों को खो दिया। 26/11 का ये दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि कमजोर और असमर्थ सरकारें देश को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपने 2014 में कांग्रेस की कमजोर सरकार को हटाया, बीजेपी की मजबूत सरकार बनाई, जिसके कारण आज देश से आतंकवाद का सफाया हो रहा है, चुन चुन करके सफाया हो रहा है। पाकिस्तान में मौजूद इन आतंकियों के मारे जाने की लिस्ट बहुत लंबी है। हर वो शख्स टारगेट हो रहा है जिसका आतंकवादी संगठनों से कुछ भी लेना देना है। 13 नवंबर को सियालकोट में लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल और नईमुर रहमान मारे गए। इससे पहले 5 नवंबर को पीओके में लश्कर कमांडर ख्वाजा शाहिद की लाश मिली। 9 नवंबर को लश्कर कमांडर अकरम गाजी को खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारी गई। 11 नवंबर को जैश कमांडर रहीमुल्ला तारिक कराची में गोलियों से भून दिया गया। 11 नवंबर को ही लश्कर का फाइनेंसर कारोबारी हाजी नसीबुल्ला बलूचिस्तान से अगवा हो गया। इसका कोई सुराग नहीं है और ये कोई छोटे नाम नहीं है बल्कि बड़े आतंकी थे। सवाल यह है कि पाकिस्तान में घुसकर भारत के इन दुश्मनों को कौन ठिकाने लगा रहा है। पाकिस्तान को तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नाम से ही डर लगने लगा है। हो ये रहा है पिछले 3-4 साल से कि जो असैसिनेशंस हैं, ये जो कत्ल हैं, चाहे वो इस साल के मौलाना जाओ रहमान साहब हों या मुफ्ती कैसर फारूक साहब हों, दोनों लश्कर के कमांडर, दोनों को, एक को कराची में, एक को गुलशन उमर में कत्ल किया गया, या शाहिद लतीफ हों जो जैश के कमांडर थे जिन्हें अभी पिछले महीने अक्टूबर में कत्ल किया गया, या जो 2022 के पहले दिन 1 जनवरी को सलीम रहमानी हों जिन्हें हैदराबाद में कत्ल किया गया। इन्हें कश्मीर में ये अरेस्ट हुए थे, बाय द वे इंडियन कश्मीर में, और फिर पाकिस्तान में इन्हें छोड़ दिया गया था। या इब्राहिम जरूर मिस्त्री हों मार्च 2022 में कांदाहार की जो हाईजैकिंग थी उसके कमांडर थे, इनका उर्फ था मोहम्मद जाहिद, ये दुकान चलाते थे, कंदाहर के हाईजैकर थे, कराची में ये दुकानदार बने हुए थे, जैश के कमांडर थे, इनको मार दिया गया। 2023 में इस साल के शुरू में इम्तियाज आलम उर्फ बशीर पीर, हिजबुल मुजाहिदीन को भी नहीं छोड़ा इंडियन इंटेलिजेंस ने, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर इम्तियाज आलम को मारा गया। खालिद रजा जो अल बदर ब्रिगेड के कमांडर हैं, ये भी एक और ब्रिगेड लगती है, इनको भी कराची में फारिग कर दिया गया। अब इस सब में पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। अब पाकिस्तान में बाकी बचे दहशतगर्दों में भगदड़ मच गई है। जो आतंकी कथित तौर पर जेल में बंद हैं, उन्हें भी आईएसआई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रही है। जो आतंकी सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर देखे जाते थे वो अब अंडरग्राउंड हो गए हैं। कई आतंकवादियों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे दी गई हैं। सभी बड़े आतंकी संगठनों के आतंकवादियों को सुरक्षा दे दी गई है। आईएसआई की रिपोर्ट पर लोकल पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल इनके ठिकानों के आसपास तैनात कर दिए गए हैं। विद इन पाकिस्तान ये सोर्सेज से पता चलता है कि उन्होंने मजीद केयर कर ली है, एहतियात करते हैं, एंड्रॉयड फोन वगैरह यूज करने पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर किया जा रहा है। फिर ये है कि जो 4-5 इंपॉर्टेंट टारगेट किलिंग्स हुई हैं उनमें पैटर्न ये था कि उस मिलिटेंट को मस्जिद में या नमाज में टारगेट किया गया, तो उस पे भी एक रिस्ट्रिक्शन ये विद इन द ग्रुप्स चल रही है कि आप ऐसी जगहों पे ना जाएं कि जहां पे आपकी वल्नरेबिलिटी में ज्यादा इजाफा हो या आपको टारगेट होने का ज्यादा खदशा हो। तो right. वो इस तरह की चीजें भी विद इन ग्रुप्स चल रही हैं बिल्कुल। लेकिन सुनने में आया है कि सबसे ज्यादा इस वक्त हाफिज सईद और उसके बाकी गुर्गे ही डरे हुए हैं।
हाफिज सईद ने दिन रात भारत की बर्बादी का सपना देखा है और इसीलिए उसने भारत के खिलाफ 26/11 का हमला प्लान किया। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड लश्करे तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। जिन 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था उन्हें पीओके में जकीउर रहमान लखवी ने ट्रेनिंग दी थी। मुंबई की जिन जगहों पर हमला करना था उनकी रेकी डेविड कोलमैन हेडली ने की थी। साजिद मीर ने हमले के दौरान आतंकियों के हैंडलर की भूमिका निभाई थी। कायदे से तो हाफिज सईद और उसके आतंकी संगठन को उसी वक्त उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए था, लेकिन भारत ने उसे इंटरनेशनली एक्सपोज करने में ज्यादा वक्त गुजारा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हाफिज और उसके गुर्गों की मौज आ गई। वो भारत पर लगातार आतंकी हमले के प्लान बनाते रहे। 1200 साल हम वहां हाकिम थे, मालिक थे, हमने बिल्कुल हिंदुओं को उतने मारे गए जो जंगों में मारे गए। जंगों के बाद हमने मोदी की माँ को, बाप को, बहन को, बेटी को छेड़ा नहीं। भारत को तोड़ना, हैदराबाद को जोड़ना, अहमदाबाद को इस्लामाबाद से बदलना, मुरादाबाद को इस्लामाबाद से बदलना, मोदी बेईमान से सारे इंतकाम लेना। यह हाफिज सईद का बहनोई अब्दुल रहमान मक्की है। इसका भी मारा जाना अभी बाकी है। सुनने में आ रहा है कि लगातार आतंकियों पर होते हमलों से ये भी बहुत परेशान हो गया है। 26/11 को मुंबई में हुए हमलों में अब्दुल रहमान मक्की की बड़ी भूमिका थी। अब्दुल रहमान मक्की ने आईएसआई के अधिकारियों के साथ मिलकर अटैक की प्लानिंग की थी। मुंबई हमलों के लिए हमलावरों का चयन भी अब्दुल रहमान मक्की ने ही किया था। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे अपने आतंकी कैंपों से मक्की ने हमलावर चुने थे। भारत पर हमले के लिए वो पाकिस्तान के युवाओं को भड़काकर आतंकी बनाता था। इसके अलावा भारत में कई हमलों में भी अब्दुल रहमान मक्की की भूमिका रही है। मक्की खुद को प्रोफेसर कहता है, पाकिस्तानी मीडिया उसे मोटिवेशनल स्पीकर कहती है, लेकिन असल में वो सिर्फ भारत के खिलाफ जहर उगलता है, जिहाद की बात करता है, मरने मारने की कसमें खाता है। लेकिन जब से मोदी की सरकार आई, इन आतंकियों के बुरे दिन भी शुरू हो गए। सबसे पहले तो भारत ने यह रणनीति बनाई कि हमले का बदला तुरंत लिया जाएगा, जिससे आतंकियों के हौसले पस्त हुए। आतंकियों को यह कड़ा संदेश दिया कि अगर भारत पर हमला करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, घर में घुसकर मारेंगे। सितंबर 2016 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हमला किया, जिसमें भारत के 19 सैनिक शहीद हो गए। और ठीक 10 दिन के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उरी ने हमें सोने नहीं दिया। जो आग उस जवान के दिल में थी, वही आग इस प्रधानमंत्री के दिल में। और उसी का परिणाम हुआ सर्जिकल स्ट्राइक। ये पाकिस्तान और उसके पाले आतंकवादियों के लिए एक स्टेटमेंट था कि अब ये वो पुराना भारत नहीं है कि कहीं भी हमला करोगे, कभी भी हमला करोगे और भाग जाओगे। हालांकि पाकिस्तान के आतंकवादी सुधरे नहीं, छोटे हमले तो होते रहे, लेकिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। सीआरपीएफ के जवानों से भरी एक बस पर सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया। भारत के 40 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी को हमला हुआ था और 26 फरवरी को भारत ने इसका बदला लिया। पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने तबाह किए। जैश ए मोहम्मद के 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। यानी सीधा संदेश था कि अब घर में घुसकर मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां के सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की
कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की। लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलता, क्योंकि भारत के दोनों तरफ भी हॉस्टाइल पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी देश होने के साथ साथ दुश्मन भी हैं। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। चीन से तो सीधे युद्ध ही होगा, लेकिन पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से ऐसे ही आतंकवादी हमले भारत में करता और करवाता रहा है। इसके लिए पाकिस्तान ने कई तरह के आतंकवादियों को पाला हुआ है, हाफिज सईद से लेकर सैयद सलाउद्दीन तक और मसूद अजहर से लेकर कई छोटे बड़े आतंकियों तक। पाकिस्तान के पास ऐसे आतंकवादियों की फौज है जो भारत पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन भारत ने ऐसे आतंकी संगठनों की कमर तोड़ी। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की पोल खोली, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा, सीधे इन आतंकी संगठनों के डोजियर पूरी दुनिया के सामने रखे, इन आतंकी संगठनों की बैकबोन तोड़ी, इन्हें होने वाली फंडिंग पर रोक लगाई, पूरी दुनिया में इनके अकाउंट्स और पैसे फ्रीज करवाए, एफएटीएफ के तहत पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाया, पाकिस्तान पर यह दबाव बनाया कि वो इन आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे। पाकिस्तान भी हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों पर कार्रवाई के लिए मजबूर हुआ और टेरर फंडिंग के केस में हाफिज सईद को 31 साल की सजा हुई। 26/11 के एक और मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी को टेरर फंडिंग के केस में 15 साल कैद की सजा सुनाई गई। और रही सही कसर, अब वो अज्ञात हमलावर पूरी कर रहे हैं जो इन आतंकवादियों को जहन्नुम रसीद करने पर तुले हैं। एक जमाना था कि पाकिस्तान की ISI इस पूरे खत्ते में धनधनाती हुई फिरती थी। 40-45 साल पाकिस्तान की ISI ने अफगानिस्तान में ऑपरेट किया है, उधर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, मुजाहिदीन, तालिबान, फलाना ढमाका, सबको कंट्रोल किया है, किसी को तोड़ा है, किसी को मोड़ा है, किसी को बनाया है, किसी को तबाह किया है। और फिर दूसरी तरफ ऑब्वियसली मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और उसके अलावा मुंबई में, दिल्ली में और दीगर और अटैक्स और कैंपेन्स इंडिया में चलाए हैं। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि क्या ये बैन अल-अक़वामी जो कवानीन है उनके तहत था, नहीं। क्या ये एथिकली साउंड था, शायद नहीं। मगर इस सब में ओवरऑल कोई शक नहीं है कि अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी दुनिया में, चाहे वो इसराइल की मोसाद हो या अमेरिका की CIA हो या अमेरिका या इंग्लैंड की MI6 हो, जो तो जेम्स बॉन्ड के ऊपर फिल्में भी बनाती है, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी दूसरे ममालिक में अपने लोग भेजती हैं और वो फिर उल्टे सीधे काम करते हैं जिसमें कत्ल भी होता है। मगर हिंदुस्तान बहुत सालों से चुप था, अब हिंदुस्तान बोल पड़ा है और ऐसी दस्तावेजात, ऐसी एविडेंस अब आने लग गई है कि हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हो गई हैं। पाकिस्तान में ये थ्योरी चल रही है कि जिहादियों की हत्या भारत करवा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद पाकिस्तान में रहने वाले अफगानी कर रहे हैं, यानी सीधे सीधे अफगानियों को भारतीय खुफिया एजेंसियों का एजेंट बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने सारे अफगानियों को अपने मुल्क से बाहर कर दिया है। एक थ्योरी ये भी है कि इसी वजह से पाकिस्तान इन अफगानियों को देश निकाला दे रहा है, लेकिन ये सब पाकिस्तान के आतंकवाद को छिपाने की बहानेबाजियां हैं। अफगानी के दौर में उन्होंने NDS जो एक अफगान इंटेलिजेंस थी उसके साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान में कुछ खुफिया सेल बनाए हुए हैं और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करते हैं। कंट्रोल इनका इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है। पाकिस्तान में जो इनके फुट सोल्जर हैं वो अफगानी हैं जो कि ट्रेंड हैं। ये कराची में भी टारगेट किलिंग करते हैं, ये लाहौर में भी टारगेट किलिंग करते हैं, इवन आजाद कश्मीर में जाकर टारगेट किलिंग करते हैं। यानी हामिद मीर का ये कहना है कि पाकिस्तान में अफगानियों की शक्ल में कुछ एजेंट्स भी मौजूद हैं, वो NDS के एजेंट भी हो सकते हैं और रा के एजेंट भी हैं। यानी फिर वो बात सही हो गई कि जो बात कही जा रही थी कि कोई इधर मारा जा रहा है तो कोई उधर मारा जा रहा है, तो ये घर में घुस घुस के मारा जा रहा है, तो ये गली गली फिर रहे हैं रा का एजेंट। तो सर ये रा की साजिश ये कहना चाह रहे हैं आप? हो सकता है कि वहां पे बहुत सारे लोग इस तरह के शामिल हों जो अंदर से इस्तेमाल हो रहे हों, लेकिन कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं उसके बिना पर आप सारी की सारी उनकी जनरेशंस को तो वापस नहीं भेज सकते। मेरा ख्याल है कि अफगानियों को जो पाकिस्तान में मौजूद है नमक हराम कहना या रॉ के एजेंट कहना, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। ये देखिए
ये बेचारा ये भी उड़ गया, ये देखिए ये भी उड़ गया, ये मतलब वो वाला नहीं उड़ गया, वो वाला उड़ गया, ठीक है ना। तो ये सारे जो उड़ते चले जा रहे हैं, तो हामिद मीर साहब का कहना ये है कि जी ये असल में जो है वो रॉ करवा रही है, ठीक है। सोचने वाली बात ये है, ये सारे लोग वो हैं जिन्हें हमने रखा, पाला, खिलाया, पिलाया और उसके बाद जगह जगह भेजा और जो कुछ किया वो आप लोगों को मालूम ही है। अब अगर हम ये कहें कि जी इनको हम खुद ही मार रहे हैं, इसलिए कि अब इनका रोल खत्म हो गया, इनकी जगह हमने दूसरे एक्टर ले लिए हैं या दूसरे लोग ले लिए हैं जो इनका काम करेंगे, या फिर ये कि हम सुधर गए हैं, जिसके चांसेस कम है। वैसे बहुत से लोग कहते हैं हम सुधर गए, इस वजह से भी ये लोगों को हम खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये कि सुधरने वाले तो हमें नहीं, तो हो सकता है हमने कोई नया सामान तैयार कर लिया हो, लेकिन फिर इनको मार कौन रहा है। और अगर ये लोग जिनके बॉसेस अभी तक जिंदा हैं, यानी कि हाफिज सईद और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम, ये सब लोग तो अभी है ना, तो ये हम ये पूछेंगे ना, ये हमारे लोगों से पूछेंगे ना कि बेटा बताओ ये हमारे लोग आखिर कौन उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान में चाहे कितने भी आतंकवादी मारे जाएं, लेकिन जिस दिन भारत के ये चार दुश्मन मारे जाएंगे उसी दिन असली बदला पूरा होगा। पहला है लश्करे तैयबा का सरगना हाफिज सईद, दूसरा है जैश ए मोहम्मद का हेड मसूद अजहर, तीसरा है 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, और चौथा है हिजबुल मुजाहिदीन का हेड सैयद सलाउद्दीन। ये चारों भारत के दुश्मन हैं और पाकिस्तान में ही छिपे हुए हैं। आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था, लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है।